The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about allergy skin testing. Skin testing कैसे होती है allergies में? Allergy during allergy के जो skin test है, आपके skin को expose किया जाता है कुछ प्रकार के substances से, हो सकता है उनसे आपको allergy हो, allergens से, और फिर देखा जाता है कि आपको कोई sign allergic reaction का sign आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? आपकी इससे पहले एक medical history ली जाएगी allergy testing से पहले confirm करने के लिए कि आपको allergy testing किसी चीज़ के ज़्यादा एलर्जी टेस्टिंग तो नहीं है खाने पीने की या ब्रीदिंग की चीज़ों से, राइट? अब स्किन टेस्टिंग हमने ऑलरेडी बताया है आपको क्यों कराना है. अगर आपको रेगुलरली एलर्जी होती रहती है, चाहे वो हे फीवर हो, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक एस्थमा होता हो, चमड़ी पे डर्मेटाइटिस होता हो, फूड एलर्जी हो, पेनिसिलिन दवाई एलर्जी हो, कोई बी वेनम एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको ये स्किन टेस्ट करा लेना चाहिए. जनरली सेफ होता है बच्चों बड़ों के लिए. कोई ऐसी कुछ सर्कमस्टांसिस होती हैं जिसमें स्किन टेस्ट नहीं करा जाता, इसलिए स्किन टेस्ट हमेशा एक डॉक्टर का रेकमेंडेड होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेफरेबली, राइट? अगर किसको नहीं होगा, अगर आपको एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग टाइप एलर्जिक रिएक्शन आ चुका है, जिसको हम कह चुके हैं पहले एक बार वीडियो में समझा चुके हैं एनाफिलैक्सिस, अगर आपको आ चुका है तो आपको स्किन टेस्ट नहीं कराना चाहिए. देन अगर कोई ऐसी दवा आप लेते हो जैसे एंटी हिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट, कोई हार्ट बर्न गैस की मेडिसिंस, तो फिर आप एलर्जी टेस्टिंग ना करें, वरना वो दवाइयाँ इन टेस्टिंग से इंटरफियर करेंगी. उसके अलावा अगर कोई स्किन कंडीशन है जैसे सोरियासिस है, सीवियर एक्जिमा है ऑलरेडी है, तो उस कंडीशन में आपका एलर्जी टेस्टिंग नहीं होना चाहिए. वेरी सिंपल, राइट? और ब्लड टेस्ट में अगर आपको, मान लीजिए जिनको स्किन टेस्ट नहीं कर सकते उनका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई IgE लेवल्स जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिसमें कि और ब्लड को फिर निकाल के वी कैन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है आपको एलर्जी है या नहीं. ब्लड टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, बट देन ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी. इन जनरल ये एलर्जी टेस्टिंग ठीक ठाक रिलायबिलिटी है, बट नॉट 100% श्योर टेस्ट, राइट? रिस्क क्या है? थोड़ा बहुत देखिए, जब भी एलर्जी रिएक्शन आएगा आपको, कोई चीज़ आपके स्किन में डाली जाएगी, एक्सपोज की जाएगी, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन, तो सूजन, लालपना, वाइट बम्स, रिवील्स वूल्स आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए नोटिसेबल, या फिर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ज़रूर हो सकता है, बट रेयरली कोई भी सीवियर या कोई लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जेनिक रिएक्शन होगा, रेयर, ऐसा नहीं होता इससे, ठीक है? तो एलर्जी टेस्टिंग में किया क्या जाता है, बिफोर द टेस्ट आपके डॉक्टर से आपकी हिस्ट्री, साइन, सिम्टम और बाकी सारे पॉइंट्स पहले देख लिए जाएंगे कि आपके लिए सही है टेस्ट या नहीं है, टेस्ट करना है या नहीं करना है. उसके बाद में मेडिकेशंस चेक किए जाएंगे, आपकी कोई एंटी हिस्टामिन्स, कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिंस, कोई लिवोसिट्रीजीन, कोई डेस्लोराटिडीन, कोई भी ऐसी दवाई, कोई आप बेनाड्रिल कफ सिरप, कोई ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट? कोई नॉर्ट्रिप्टलिन, कोई हार्ट बर्न की मेडिसिमिटिडीन, रैनिटिडीन, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे हो. ऑल दीज थिंग्स विल इंटरफियर विद द टेस्ट, इसीलिए इसको बंद किया जाता है कुछ दिनों के लिए, 2 से 4 वीक के लिए, राइट? सो 2 डेज टू वीक्स तक इफेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट जब होगा डॉक्टर के ऑफिस में होना चाहिए कायदे से, एक जहां डॉक्टर हो प्रेजेंट, और कायदे से फिर वहां पर क्या होगा, 20 से 40 मिनट लगते हैं टेस्ट में, और टेस्ट में इससे आपकी इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन पकड़ में आती है. इसमें कुछ ही मिनटों में, 10-15 मिनटों में आपका रिएक्शन आ जाता है. इसमें प्रिक टेस्ट किया जाता है, स्किन प्रिक टेस्ट, इसमें पंक्चर टेस्ट या स्क्रैच टेस्ट भी बोलते हैं. इसमें क्या किया जाता है, आपको 40 डिफरेंट चीज़ों से एक साथ अलग अलग जगहों पे प्रिक या स्क्रैच किया जाता है. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, पोलन, प्रेड डेंगर, डस्ट माइट, कोई फूड प्रोडक्ट्स, कोई मोल्ड्स, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो आपको आपके नॉर्मल ज़िंदगी में एक्सपोज होते हैं वो सारी चीज़ें. और एडल्ट में ये टेस्ट फोरआर्म में किया जाता है, बच्चों में ये बैक में किया जाता है, एडल्ट में फोरआर्म में, बच्चों के अपर बैक में किया जाता है. और एलर्जी टेस्टिंग पेनफुल नहीं होती ऐसा कोई, राइट? इसमें नीडल्स, लैंसेट यूज़ होते हैं जो बेयरली स्किन के अंदर पेनिट्रेट, आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक माइल्ड सा मोमेंट्री सा थोड़ा सा पता चलेगा कि कुछ तो था, अच्छा हो गया, ओके, अच्छा ठीक है, ओके वाह, ऐसे, राइट? और क्लीनिंग के बाद
टेस्ट साइट को पहले क्लीन किया जाता है अल्कोहल से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक मार्क बनाया जाएगा, उसमें एक एलर्जन का ड्रॉप डाला जाएगा और उसके ऊपर से एक लैंसन से प्रिक किया जाएगा, खत्म। ऐसा करना पड़ता है, और या फिर एक इंजेक्शन में लिया जाएगा और स्किन के नीचे डाल दिया जाएगा। हमने इंट्राडर्मल टेस्ट बता चुके हैं आपको, एक वो टाइप भी है, राइट, इंट्राडर्मल स्क्रैच या प्रिक टेस्ट बेसिकली। और अगर कोई भी रिएक्शन दिखता है कि रिएक्ट नॉर्मली कर रही है अगर, तो फिर हम क्या करते हैं, एक हिस्टामिन, अगर हमें लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन, तो हिस्टामिन क्या है, एक मोस्ट पीपल में ये सब्सटेंस है जो स्किन को रिएक्ट करवाता है, राइट। इफ़ यू डोंट रिएक्ट टू हिस्टामिन और प्लस द एलर्जन, आपकी एलर्जी स्किन टेस्ट विल नॉट रिवील कि आपका एलर्जी है भी कि नहीं। आपको पहले एक दूसरी जगह पे हिस्टामिन भी डाला जाता है, हिस्टामिन से आपका रिएक्शन हो रहा है तो दैट मींस आपका एलर्जी रिस्पॉन्स सिस्टम काम कर रहा है, वो एक टेस्ट हो जाता है। फिर एक ग्लिसरीन या सलाइन से भी किया जाता है, और ग्लिसरीन या सलाइन ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को एलर्जी नहीं करती। अगर आपको ग्लिसरीन या सलाइन, नॉर्मल सलाइन से एलर्जी है, तो फिर आपकी ही स्किन ही हाइपर सेंसिटिव है, जय हो, हाइपर सेंसिटिव स्किन है आपकी, फिर आपको हर चीज़ से एलर्जी होगी, ये चीज़ समझ में आती है, राइट। सो ये चीज़, दो चीज़ें एक हमें आइडिया देती है कि भाई सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। 15 मिनट के लिए वो 40 चीज़ों को आपके ऊपर रखा जाता है, स्क्रिक करके फिर देखा जाता है कहाँ कहाँ पे कुछ बम्प आया, कुछ रेज्ड चीज़ आई, कोई व्हील आया, कोई जैसे एक मच्छर काटने के बाद थोड़ा सा आता है वैसा आएगा आपको, और फिर एक डॉक्टर या नर्स और कोई टेक्नीशियन उस बम्प का साइज़ और उसका वो नोट करेंगे, राइट। इस रिकॉर्ड के बेसिस पे फिर आपका टेस्ट रिपोर्ट आएगी। जैसा मैंने बताया, ये स्क्रैच या प्रिक टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही इंजेक्शन टेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें छोटी सी मात्रा आपके एलर्जन की आपके चमड़ी के नीचे, यानी चमड़ी के नीचे इंट्राडर्मली डाली जाती है, और वही चीज़ को 15 मिनट के बाद देखा जाता है। ऐसा ही पैच टेस्ट भी होता है, जिसमें कोई प्रिक या स्क्रैच या इंजेक्शन नहीं होता है, केवल एलर्जन को आपके चमड़ी पर रख दिया जाता है, पैच लगा दिया जाता है और देखा जाता है। पैच टेस्ट डिलेड रिएक्शंस भी पकड़ते हैं, इसको 15 मिनट नहीं, इसको कई दिनों के लिए रखा जा सकता है, कई दिनों के बाद फिर देखा जाए, अरे कुछ हुआ नहीं हुआ, अरे तुम ठीक हो, अरे तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, तुम ठीक हो बुड़बक, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पैच टेस्ट में कोई नीडल नहीं है, कोई वो नहीं है, एलर्जी पैच लगाया जाता है, नॉर्मली आपको एब्जॉर्व किया जाता है 20-30 मिनट के लिए, नहीं कुछ हुआ तो फिर घर भेज दिया जाता है, जाओ कल आके बताना, या कुछ हुआ तो बताना, ऐसा भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 48 आवर्स के बाद निकाल दिया जाता है बेसिकली। इस टाइम के बीच में आपको नहाना नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई हैवी स्वेटिंग हो जाए ऐसी कोई चीज़ के पैच निकल जाए, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेंगे आपके फैमिली वालों को और आपके बाकी सबको, नहाओगे धोगे नहीं, राइट, स्मेल करोगे, बाकी कुछ नहीं, राइट, पसीना नहीं आना, अच्छी जगह रहना, इरिटेट, अगर इरिटेट कर रही है पैच तो वो एलर्जी है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। सो ये सारे प्रकार के आपके एलर्जी पैच टेस्ट, स्किन टेस्ट और इंजेक्शन टेस्ट और प्रिक टेस्ट होते हैं। और आपको जब भी छोड़ने से पहले, आपको आपके डॉक्टर के या वहाँ पे क्लिनिक से निकलने से पहले अच्छे से चेक किया जाता है कि आपके जो टेस्ट हैं वो ठीक ठाक है, कौन से इसमें गड़बड़ी आई है, किस में नहीं। आपको एक दो अगर ज़रूरत पड़ी तो मेडिसिन भी दी जाती है एंटी एलर्जिक की, हाँ जो दिखा लो, जो भी छोटा मोटा रिएक्शन हुआ ठीक हो जाएगा। और याद रखिए, ये स्किन टेस्ट में पॉजिटिव रिएक्शंस आ सकते हैं, बड़े बड़े व्हील्स आ सकते हैं, और जितनी ज़्यादा बड़ा 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 लालपना बड़ा गोला उतना ज़्यादा एलर्जी, पर ये हमेशा रिलायबल नहीं होता, इसमें फॉल्स पॉजिटिव या एक्यूरेट हमेशा नहीं होता है, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपको ट्रिगर नहीं है, एलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एलर्जी आ रही है, ऐसे भी होता है। सो आपकी जैसे किसी को आज दूध से एलर्जी आ गई, लेकिन आज तक दूध पीते हैं लेकिन कुछ एलर्जी नहीं है, तो इट माइट बी अ फॉल्स पॉजिटिव। सो रिमेंबर, आपकी खुद की लाइफ स्टाइल, आपके खुद का हिस्ट्री, प्लस स्किन टेस्ट, प्लस डॉक्टर का एग्जाम है, तीनों मिला के आपका टेस्ट का रिपोर्ट रिजल्ट आना चाहिए, नॉट जस्ट ब्लाइंडली हमें टेस्ट फॉलो करना, ऐसा नहीं होता है, रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एलर्जी टेस्टिंग आपका डिफरेंट ओकेजन्स में मल्टीपल टाइम भी की जा सकती है, और इसमें जैसे हमने कहा, इससे ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिसिन कि आपका डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस, नहीं आपको तो भाई दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, आप पोल्यूशन में नहीं रह सकते। सो ऐसे कई सारे चीज़ें को चेंज करना पड़ता है लाइफ, और ताकि आपकी एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सो यस, देर इज़ अ वे टू ट्रीट एलर्जी हमेशा के लिए, एलर्जी शॉट्स को छोड़ के। एलर्जी शॉट्स अलग चीज़ है, वो अलग है, हमने ऑलरेडी आपको पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं एलर्जी शॉट्स क्या है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। ये हुई बातचीत आपकी एलर्जी स्किन टेस्ट के बारे में।